मम्मी मुझे कुछ नहीं ले रही है अभी, ये वाली साड़ी हमने ट्राई करी। अच्छा जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, टकला हो जाऊंगा मैं कुछ सालों में, ये कुत्तों को डांट रही है। एवरीवन नमस्ते, इट इज़ द फेल के एक एक राना, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है ट्यूसडे, मंगलवार, और अभी मैं तैयार होके जा रहा हूँ मार्केट। बड़ी हफड़ा तपड़ी में हूँ मैं, इससे पहले मैं गेट रेडी विद मी फिल्म कर रहा था और मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। मम्मी भाग चुकी है आगे मामी के साथ में, और मैं आज इनके साथ में शॉपिंग जा रहा हूँ, मानसून वेदर की शॉपिंग देखने पल्टन बाजार में। तो अभी चलते हैं फटाफट से, दिन के 2:30 बज गए हैं, सांस फूल रही है, लेट्स गो। तो फाइनली वी हैव रीच्ड द पल्टन बाजार, और अभी हम हैं डिस्पेंसरी रोड पे। यहाँ से अभी देखते हैं, पहले हम जा रहे हैं तहसील की साइड। तो जो देहरादून में उनको तो पता होगा तहसील कहाँ पर है, बट जिनको नहीं पता वो देखते जाओ अभी। तहसील में वैसी नॉर्मल साड़ियाँ वगैरह, सूट वगैरह, लहंगे, ये सब चीज़ें मिलती हैं, और अब वेडिंग पर्पज़ वाला चीज़ें मिलती है। तो अभी हम तहसील की साइड रास्ता लगे हैं, सो लेट्स गो। तो हमने अभी अपना रूट चेंज कर दिया है, वी आर नॉट गोइंग टू तहसील, क्योंकि यहाँ पर साड़ी वगैरह देखनी है मम्मी औरों को। तो हम जा रहे हैं देहरादून का सबसे सबसे ज़्यादा साड़ी और सूट का सेल वाला दुकान, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट पे और अच्छे होलसेल रेट में ना आपको साड़ी, लहंगा, सूट वगैरह सब चीज़ मिल जाता है। तो वो है राजेश कट पीस, सबने सुना होगा, राजेश की पन्नियाँ हर किसी के घर में दिख जाती हैं, तो हम वहीं पे जा रहे हैं अभी। ये है द फेमस राजेश कट पीस, ये इनका हैंडलूम वाला स्टोर है, एंड आगे से इनका साड़ी वाला स्टोर है। तो अभी यहाँ पे जाते हैं, पहले यहाँ पे आपको बाकी स्टोर भी मिल जाएंगे जो साड़ी सूट ये सब चीज़ें सेल करती हैं, बट दिस इज़ द मेन स्टोर। फाइनली साड़ियाँ खुलनी शुरू हो चुकी है, बड़ी सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखा रहे हैं वो। ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है सब जगह, आप ये वाली साड़ी हर किसी को पहने हुए देखोगे, तो ये हमने ऑप्शन सही कर दिया है। एंड ये वाली एक नई पीस दिखाई इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, येलो एंड पिंक कलर का कुछ है, बट ये थोड़ा पार्टी के लिए फीका जैसा लग रहा है। तो अभी एक और साड़ियाँ देखते हैं, यहाँ पे आपको हर एक प्राइस रेंज पे बहुत ही अच्छा साड़ी वगैरह सूट वगैरह मिल जाता है, ये भी अच्छा लग रहा है। जूरी क्या कहना चाह रही है, कौन सा पसंद आ रहा है? कोई भी नहीं, देखते अच्छा जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा देखे, क्योंकि ये साड़ी किसी और के लिए जा रही है, मेरी मौसी जी है उनके लिए खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन चल रही है क्या वो अच्छा लगेगा उन पे क्या नहीं लगेगा। ये ज़्यादा हॉट पिंक हो गया है एकदम से, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा है, ये थोड़ा सा येल्लो हो गया है, येल्लो उन्होंने मना करा है। दिस इज़ द न्यू आर्टिकल, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है यार, प्याजी कलर बोलते हैं, प्याजी कलर विद हॉट पिंक बॉर्डर। ये वाली साड़ी हमने ट्राई करी, मम्मी दिखाओ, ये ट्राई करी है हमने रानी पिंक कलर की, एंड दिस इज़ द पीच कलर का साड़ी जो अब नेक्स्ट ट्राई कर रही है मम्मी, ये ऑर्गेन्जा में है और ये सिल्क वाला फैब्रिक है, तो मौसी जो पसंद करेगी हम वही ले लेंगे। ये थोड़ी ठीक लग रही है, बट शादी के लिए थोड़ी फीकी लग रही है। ले ली हमने साड़ी, अब हम जाएंगे यहाँ से दूसरी शॉपिंग करने। तो ये वाली साड़ी हमने करी है फाइनल, अब साड़ी में लगेगा फॉल पीको, एंड इसकी प्लीट्स भी यहाँ पर फ्री में बन जाती है अगर आप साड़ी लेते हैं, तो ये बनेगा और कल बन के रेडी होके हमको मिलेगा, तो कल मिलेगा, कल अब देखते हैं कोई भी आ जाएगा उसको लेने के लिए, पिकअप करने के लिए, बाकी हमने साड़ी कर ली है फाइनल। अब हम आ चुके हैं धामा वाला से ऊपर, हम जा रहे हैं पल्टन की साइड, एंड यहाँ पे राखी का स्टॉक आना शुरू हो गया है क्योंकि अगस्त 19 को राखी भी है। रौनक अभी है नहीं वैसे बाजार में, आज ट्यूजडे है, बहुत खाली खाली मार्केट हो गया है, 3 बज रहा है अभी, 3:30 हो रहा है। द फेमस कामिनी, गर्मी से पूरी हालत ख़राब हो गई है, पसीने से बिल्कुल बाले से चंपू चिपक गए हैं मेरे सर पे। अब आए हैं हम मामी जी की कुर्ती चेंज करवाने के लिए, तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कुर्तीज़ एंड ऑल है, बहुत अच्छा है यहाँ पे स्टॉक, बट मम्मी मुझे कुछ नहीं ले रही है अभी, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही शॉपिंग करी है और ऑनलाइन भी मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी है, तो मम्मी अभी कुछ लेने के लिए रेडी नहीं है मुझे, तो अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं रक्षाबंधन आने, तो पैसे इकट्ठा करूँगा उसके बाद आऊँगा सीधा बाजार रक्षाबंधन के पैसे लेकर। बाल झड़ रहे हैं मेरे बहुत सारे, टकला हो जाऊंगा मैं कुछ सालों में। मेरे को कहीं पे फुल लेंथ मिरर चाहिए था, मिल गया, ये मेरा आज का आउटफिट, एक कुर्ती, एक जीन्स, और ये मम्मी का झोला जो मेरे पास है, इसमें मैं सामान कैरी कर रहा हूँ, मम्मी ने तो फैशन के लिए साइड बैग डाला हुआ, और ये बड़ा वाला झोला मुझे कैरी करना पड़ रहा है, मम्मी और मम्मी के साथ आने के स्ट्रगल। तो फाइनली घंटागढ़ से निकल के हम जा रहे हैं अभी इंदिरा की तरफ, क्योंकि हमको पूछना है शूज़ पापा के लिए, तो हम जा रहे हैं अभी इंदिरा, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है,
मौसम ख़राब हो रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और उमस हो रही है, उमस। यहाँ पर कभी ज़िंदगी में फ़ोटो नहीं खिंचवाई। तो अभी हम हैं इंदिरा में एक शॉप पे, शूज़ की शॉप है। यहाँ पर से हमने पापा को शूज़ लेने थे, वो शूज़ बहुत कम शॉप्स में मिलता है और बहुत ही पुराने टाइम की कंपनी है वो, तो पापा को वही पसंद आते हैं, तो पापा के लिए हम ढूंढ रहे थे। यहाँ पर शूज़ मिल गए हमें और यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं घर, क्योंकि घर पर हमारे मेहमान आ चुके हैं तो हमें जल्दी घर जाना पड़ेगा। क्या हवा चल रही है, वाह। Later that same evening. तो फाइनली हम घर आ चुके थे एंड आज मंगलवार है, तो हम अभी जा रहे हैं फटाफट से मंदिर, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो अभी कहीं और पे बैठे हुए हैं, हमारी बुआ और, तो हम लोग अभी फटाफट से पहले मंदिर होके आ जाते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ा के आते हैं एंड उसके बाद में तब जाएंगे घर। मौसम ख़राब हो रहा है इसलिए हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा और जल्दी। और ये चिल्लाने वाली प्रिया है, ये कुत्तों को डांट रही है, तो अभी हम जा रहे हैं फटाफट। तो हम लोगों ने फाइनली प्रसाद चढ़ा चुका है और ये हमारा प्रसाद हमें मिला है वापस, और मंदिर में हो रहा था वहाँ पे कीर्तन है नॉन, उसके बाद में प्रसाद वगैरह भी बनता है, बट हमको बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, तो हम लोगों ने सीधा प्रसाद चढ़ाया, अब हम चल दिए हैं घर को।